नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम खेल ग्रहों का। मैं आज हम बात कर रहे हैं एक समस्या और समाधान की, या ये बोल सकते हैं कि जब समस्या आती है तो उसके लिए क्या समाधान होना चाहिए, क्या आप धारण कर सकते हैं, क्या आप पूजा पाठ कर सकते हैं। उसी कड़ी में एक नाम है नवग्रह दोष निवारण कवच। जो व्यक्ति अधिक समय नहीं दे पाएंगे पूजा पाठ में, जिनको संस्कृत समझ में नहीं आती है, या जिनकी शेड्यूल ऐसा है कि वो सुबह पूजा पाठ नहीं कर सकते, रात में पूजा पाठ नहीं कर सकते, बहुत ही व्यस्त हैं, या इस प्रकार की ड्यूटी है कि उनको समय नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने लिए कोई भी निर्धारित कर सकते हैं। उसका नाम है नवग्रह दोष निवारण कवच। अब ये कवच क्यों इम्पॉर्टेंट है, उससे क्या होगा, क्या इम्पोर्टेंस है, यही सब आपको समझना है। आप अब तक यही समझते आए होंगे कि आकाश में स्थित नवग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर ही पड़ता है, अथवा इनका हमारे जीवन में ही अत्यधिक महत्व है, परंतु ऐसा नहीं है। इन नवग्रहों का जितना महत्व हमारे जीवन में है, उससे कहीं अधिक महत्व अवतारों और देवी देवताओं के जीवन में भी रहा है। इन नवग्रहों ने यथासमय विभिन्न अवतारों के रूप में जन्म लिया और अपना कार्य समाप्त कर पुनः उन्हीं ग्रहों में विलीन हो गए। आकाश में नवग्रहों में ही संसार का समस्त रहस्य छिपा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी ग्रह के प्रभाव में जन्म लेता है तथा उसका स्वभाव और व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव के अनुसार प्रभावित रहता है। यदि ग्रह व्यक्ति के अनुकूल है तो वे मनुष्य को सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, परंतु यदि यही ग्रह उसके लिए प्रतिकूल हो, उसका प्रभाव प्रतिकूल हो, तो अनिष्टकारी हो, तो वे मनुष्य को दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं, जिससे कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याओं, बाधाओं, रुकावटों से त्रस्त होता रहता है, दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। आज का व्यक्ति, आज का आदमी, आज का जवान, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं जातक से संबंधित हो सकता हूं कि आज का कोई भी जातक दिन रात दौड़ रहा है, उसे दिन रात अपने भविष्य की चिंता सता रही है और वह बस भागे जा रहा है अपना भविष्य संवारने को। परंतु अफसोस, भविष्य को संवारना केवल मनुष्य के हाथ में नहीं है, इसके लिए उसका भाग्य, उसका ईश्वर, उसके ग्रह भी साथ दें, तभी वह समस्याओं से मुक्त हो सकता है। व्यक्ति के दुखी होने में जितना हाथ उसके दुर्भाग्य का है, उसकी किस्मत का है, उतना ही प्रभाव संबंधित ग्रह का भी है। जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के विपरीत प्रभाव के कारण ही मनुष्य भ्रमित होकर के ऐसे निर्णय लेता है, ऐसा मार्ग चुनता है जिस पर चलकर उसे सिर्फ असफलता ही हाथ लगती है। इसलिए आवश्यकता इन विपरीत और दूषित ग्रहों को शुद्ध करने की, इन्हें प्रसन्न करने की, इनके विपरीत प्रभाव को कम करने की, जिसके लिए हमारे पास एक नहीं अनेकों रास्ते खुले पड़े हैं, अनेकों उपाय हमारे सामने हैं। इन उपायों को हमारे पूर्वजों ने संजो करके पुराणों, ग्रंथों आदि के रूप में हमें दिया है, प्रदान किया है, हमारे लिए प्रकाशित करके रखा है। नवग्रहों का तेज या नवग्रहों का प्रकाश समस्त सृष्टि को, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, वनस्पति हो, जड़ हो, चेतन हो, सबको प्रभावित करता है। यह प्रभाव किसी के लिए अनुकूल हो सकता है, किसी के लिए प्रतिकूल हो जाता है। ग्रहों के तेज से उत्पन्न प्रभाव की सृष्टि में मुख्य कारण मुहूर्त होता है। समय चक्र की गति के अनुसार मुहूर्त निरंतर परिवर्तित होता रहता है। इस कारण प्रतिकूल मुहूर्त में जन्मे हुए व्यक्ति ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव से संतुष्ट रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। ग्रहों की अनुकूलता पाने के लिए उन ग्रहों के मंत्रों का उतनी संख्या में जप और उससे संबंधित अन्य कुछ ऐसे उपचार उपाय किए जा सकते हैं जिनका प्रभाव साधक के लिए, व्यक्ति के लिए अवश्य कल्याणकारी होता है, शुभ होता है, पॉजिटिव होता है और उससे ग्रह शांत होते हैं। आप खुद सोचिए, आप खुद समझने की कोशिश कीजिए, जो आपको पसंद है, यदि कोई व्यक्ति ला करके आपको वही दे, वही पदार्थ दे, वही वस्तु दे, तो क्या आपका मन प्रसन्न नहीं होगा? आपके नाम की जय जयकार हो, आपको अवार्ड रिवार्ड दिया जाए, उससे क्या प्रसन्न नहीं होंगे? तो ग्रहों के साथ में भी वही होता है। जो ग्रह आपको प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं, यदि आप उनका दान करेंगे, उनका नाम जपेंगे, उनसे संबंधित पूजा पाठ, जाप, यज्ञ, हवन करेंगे, उससे आपको ग्रहों की शांति ही प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद ही मिलेगा, और जब उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका शुभ फल प्राप्त होगा, तब आपकी समस्या नहीं रहेंगी। पर्वत की चोटी पर दृष्टि जमाने वाला अवश्य ये इच्छा करेगा, देखे तो सही वहाँ पर कैसा है, लेकिन जो दृष्टि ही नहीं उठाएगा, वह भला उन्नति के शिखर पर कैसे चढ़ पाएगा?
इसलिए संकल्प करें और फैसला करें कि हमें सफल होना है और हम सफल होकर के दिखलाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें उन ग्रहों को शांत करना होगा जो हमारी राह में कांटे हैं, जो हमारी राह में बाधक है, जो हमारी राह में अड़चन बन करके खड़े हैं। उन ग्रहों का शमन करना होगा जिन्होंने हमें हमारी सफलता की सीढ़ी से कई कदम दूर धकेल दिया है, रोक दिया है। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि भारतीय संस्कृति में नवग्रह उपासना का उतना ही महत्व है जितना कि भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा, गणपति या किसी अन्य देवी देवता की उपासना का है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितने भी संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, उसमें इन सभी में नवग्रहों का विशेष महत्व है। अतः जब भी ग्रह शांति होगी, घर में कोई भी पूजा पाठ होगा, यज्ञ हवन होगा, तब नवग्रहों की आहुति जरूर दी जाएगी। तो इन सभी में देख लीजिए नवग्रहों का विशेष महत्व है। जगत में कलह, दुख, अशांति और संघार का प्रवाह चल रहा है और इसका वेग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं और ध्वंस का ऐसा क्रम चल रहा है कि पता नहीं कुछ ही दिनों में इस मानव जगत की क्या दशा हो जाएगी। इन सारी विपत्तियों से बचने और लोक परलोक में सुख शांति प्राप्त करने का एक उपाय है, उपाय मेरी नज़र में ही उपाय है कि नवग्रह दोष निवारण कवच। नवग्रहों के दूषित होने पर बहुत से अनिष्टकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। हर ग्रह का अपना एक प्रभाव है, जब वो शुभ होता है तब उनमें सब में इम्प्रूवमेंट देता है, लेकिन वही ग्रह जो दूषित हो जाता है तो आपको शारीरिक, आपको मानसिक, आपके पारिवारिक जीवन में सब में उथल पुथल मचा देता है, उसमें दुख दर्द दे देता है, विषाद दे देता है, असफलता दे देता है। एग्जाम्पल के तौर पर सूर्य, जब सूर्य की अशुभता आपकी जिंदगी में आएगी तो उससे हृदय रोग, नेत्र रोग, उदर विकार अर्थात पेट से संबंधित प्रॉब्लम, धन का नाश, ठीक, कर्ज के जाल में उलझ जाना, झूठे दोषारोपण लगना और मान सम्मान में कमी आ जाती है। यह सब सूर्य के प्रतिकूल होने पर आपको मिलेगा। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा की। जब चंद्रमा प्रतिकूल हो तो उसकी असफलता से, उसकी अशुभता से, उसकी नेगेटिविटी से मानसिक तनाव, चिंता, मानसिक दुर्बलता, फेफड़ों के रोग या फेफड़ों के संक्रमण, इन्फेक्शन, माता की बीमारी अर्थात मदर को कोई न कोई कष्ट, धन की कमी होगी, मानसिक अशांति रहेगी, असंतुष्टि रहेगी। ये सब चंद्रमा के प्रतिकूल होने से, चंद्रमा के दुखी होने से, या ये बोल सकते हैं चंद्रमा के दूषित होने से ये सब परिणाम आपको मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं मंगल की। मंगल ग्रह की अशुभता से आपको जिगर के रोग, कर्ज से परेशानी अर्थात जो ऋण होता है, जो कर्ज होता है, उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे या कर्ज से बहुत ज़्यादा घिर जाएंगे और अपना घर बनाने का सपना आपका अधूरा ही रह जाएगा जब मंगल आपकी कुंडली में प्रतिकूल होंगे या मंगल अपना प्रतिकूल प्रभाव देना आरंभ करेंगे, चाहे वो गोचर वसात हो, चाहे वो दशा हो और चाहे आपकी कुंडली में उस मंगल की स्थिति नेगेटिव हो। आइए अब बात करते हैं बुध की। तो बुध ग्रह की अशुभता से स्नायु रोग, स्नायु का मतलब होता है नर्वस सिस्टम, दांतों के रोग हो सकते हैं, वाणी का दोष हो सकता है, चाहे वो तुतलाना हो, चाहे फबल हो, चाहे अस्पष्ट वाणी हो, ये सब दोष बुध के कारण होते हैं और बुध के दोष के कारण ही, बुध के अशुभता के कारण ही माता से भी अनबन रहती है। अब बात करते हैं गुरु की अर्थात बृहस्पति, जुपिटर। गुरु की अशुभता से पुत्र से कष्ट, अधूरी शिक्षा, दाम्पत्य में दुख, असंतोष और विवाह में बाधा और गले के रोग हो सकते हैं, अतः बृहस्पति की अशुभता से यह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं शुक्र की। शुक्र की अशुभता से वैवाहिक सुख में कमी और सुख सुविधाओं का अभाव रहेगा। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में जो लग्जरी पाना चाहते हैं, लग्जरी का भोगना चाहते हैं, वह सब कुछ शुक्र के कारण होता है। अगर शुक्र ही प्रतिकूल होगा तो यह सब कुछ आपको अभाव में आ जाएगा, अर्थात सुख सुविधा होते हुए भी आप उसको भोग नहीं पाएंगे। आइए अब बात करते हैं शनि की। तो शनि की असुविधा से अग्निकांड हो सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है, अयोग्य संतान उत्पन्न हो सकती है, आँखों के रोग और पिता से वैमनस्यता रहेगी, पिता से वैचारिक मतभेद रहेंगे, पिताजी के साथ में पटरी नहीं बैठ पाएगी। राहु की अशुभता से सिर पर चोट लग सकती है, सरकारी जुर्माने का शिकार होना पड़ सकता है अर्थात पेनल्टी लग सकती है, कोई न कोई सजा हो सकती है, कोई न कोई ठीक समस्या आ सकती है, आपके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप जड़े जा सकते हैं और इसके साथ में मानसिक रोग और हर कार्य में अड़चन पैदा होती है राहु के कारण, यदि राहु अशुभ हो, यदि राहु प्रतिकूल हो, नेगेटिव हो।
अब बात करते हैं नवा ग्रह केतु। केतु की अशुभता से विश्वासघात का शिकार, घुटनों में दर्द, मूत्र विकार तथा पुत्र को संकट या पुत्र के द्वारा दुर्व्यवहार होता है। अतः संतान आपसे दुर्व्यवहार कर सकते हैं, नेगेटिविटी आपके साथ में हो सकती है, आपके साथ में अच्छा व्यवहार करने की जगह वो आपके खिलाफ हो सकते हैं, आपके खिलाफ अच्छा व्यवहार करने की जगह दुर्व्यवहार कर सकते हैं। हमारे धर्म में ग्रहों को भी देवी देवताओं की तरह पूजा गया है, उनकी पूजा के भी विधि विधान, मंत्र, स्तोत्र, कवच आदि उपलब्ध है। अतः सर्वप्रथम हमें दूषित प्रभाव देने वाले इन ग्रहों को मनाना चाहिए, इनको प्रसन्न करना चाहिए। वैसे तो ग्रहों को मनाने के लिए विभिन्न उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन इनमें से एक अचूक उपाय है जिसका नाम है नवग्रह दोष निवारण कवच। इस कवच को विशेष मुहूर्त में विद्वान पंडितों द्वारा, जो पूजा पाठ करते हैं, जो कर्मकांड करते हैं, उन पंडितों द्वारा विशेष रूप से उसी व्यक्ति के लिए सिद्ध किया जाता है, उसी व्यक्ति के लिए प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, उसी व्यक्ति के लिए निर्माण किया जाता है जो कि जातक है, जिसका कि नाम है, जिसका कि पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र, कास्ट और एड्रेस है, उस व्यक्ति के लिए ही ये कवच का निर्माण हो सकता है। सही विधि विधान तो यही है। अगर ये विधि विधान नहीं अपनाए तो कभी भी कोई भी कवच बना करके किसी को भी सौंपा जा सकता है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि जब जब विभिन्न मुहूर्त होंगे, जब जब विशेष मुहूर्त होंगे, तभी कवच का निर्माण हो सकता है। 365 दिन के 365 दिन कवच के निर्माण संभव नहीं है। जब जब विशेष मुहूर्त आएंगे, ठीक, चाहे वो पुष्य नक्षत्र हो, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, ग्रहण हो, उन स्पेशल मुहूर्त में ही इन कवच का निर्माण हो सकता है, सीमित संख्या में ही हो सकता है। जितने मंत्र जाप लिखे गए उस ग्रह के लिए उतने मंत्र जाप करने आवश्यक हैं कवच के निर्माण के लिए। यदि हजारों की संख्या में मंत्र जाप लिखे हैं तो हजारों की संख्या में मंत्र जाप करने पड़ेंगे, तभी यह कवच का निर्माण संभव है। पूर्ण धार्मिक विधि विधान से इनको सिद्ध किया जाता है, इनको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, पूजन किया जाता है, तभी तो यह विशेष रूप से प्रभावी फल देने वाले सिद्ध होते हैं। इस कवच को धारण करने से आपके पास में एक नहीं, दो नहीं, सभी 9 ग्रहों के दोष शांत होते हैं, अर्थात सभी ग्रहों के नवग्रह दोष निवारण कवच का नाम ही इसीलिए रखा है कि आप सूर्य के लिए अलग, चंद्रमा के लिए अलग, मंगल के लिए अलग, राहु केतु के लिए अलग, ये सब अलग अलग 9 ग्रह नहीं पहनने हैं, 9 आपको ग्रह दोष निवारण के कवच नहीं पहनना है, सिर्फ एक ही पहन करके आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, वह है नवग्रह दोष निवारण कवच। तो जो भी ग्रह आपको दूषित प्रभाव दे सकता है तो आपको उसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है, ठीक, अभी सूर्य प्रभाव कर रहा है, सूर्य प्रतिकूल दे रहा है, तो मैं सूर्य का जाप करूं, सूर्य का कवच धारण करूं, उसकी जगह आपको सभी नवग्रह एक साथ में एक ही कवच धारण करने से आपके अनुकूल होने लगते हैं और आपको शुभ प्रभाव देने लगते हैं। इस कवच को धारण करने से व्यक्ति बहुत सी समस्याओं से मुक्ति पा लेता है, राहत प्राप्त कर लेता है, चाहे व्यापार हो या घर का विवाद, सभी जगह यह कवच समान रूप से प्रभावशाली सिद्ध होता है। आपको इस कवच को निर्माण करने के लिए क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी ये फ़ोन नंबर दिए हुए हैं या जो आपके पास एड्रेस हो, ठीक, मेरी एक मैगजीन लगभग 21 साल से निरंतर मासिक पत्रिका प्रकाशित होती है विश्वतंत्र ज्योतिष, उसको भी यदि आपके पास में उस पर एड्रेस दिया हुआ, फ़ोन नंबर दिए हुए, और नहीं तो इस नंबर पर ईमेल एड्रेस पर आप अपनी जो भी डिज़ायर है, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझे ये समस्या, उसके लिए मैं कौन सा कवच धारण करूं या कौन सा कवच पहनूं, किस कवच से मेरी समस्या का समाधान होगा। जैसे मैंने अभी बताया नवग्रह दोष निवारण, अतः नवग्रहों की समस्या से, तो ग्रहों से संबंधित कोई समस्या है उसके लिए तो और कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट करना है और जो डिटेल हमको चाहिए वो डिटेल आपने देनी है। और इस कवच का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, अतः साइड इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ आपको सावधानी रखनी है, क्या सावधानी रखनी है वो इस कवच के साथ में ही, आपने कब धारण करना है, किस विधि से धारण करना है, क्या सावधानी रखनी है, ये सब कुछ एक लिखा हुआ पेपर, प्रकाशित किया हुआ पेपर आपके पास में इसके साथ में आएगा और आपको उस सिस्टम को फॉलो करते हुए, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए उसको धारण करना है। 365 दिन 24 घंटे आप इसको पहन सकते हैं। ठीक, लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैं रात को इसको खोल करके रख दूँ क्या या पहने हुए सो जाऊं? ठीक, मैं जब बाथरूम जा रहा हूं, नहाने जा रहा हूं, तब क्या करूं? तो आपने सब जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं, पहने हुए रख सकते हैं,
यदि खोल करके रात को रखना चाहें साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि पहने हुए सो जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इस कवच को धारण करने के, इस कवच को बनाने के लिए सिर्फ अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, गोत्र, कास्ट और एड्रेस। गोत्र का मतलब सब कास्ट के रूप में होता है, और यदि कोई विवाहित स्त्री है वो अपना नाम, अपने पति का नाम, ससुराल का गोत्र और जो भी और डिटेल चाहिए वो सब कुछ वो देंगी। तो सिर्फ और सिर्फ ये कवच उनके लिए ही बनेगा। इसका मतलब ये भी है कि आप कवच बना करके अपने बेटे को दे दिया या अपने पिता को दे दिया, उससे यह कवच आपके लिए यूजफुल नहीं हो पाएगा। सिर्फ जिसके लिए बनेगा वो ही इस कवच को यूज़ कर सकता है। तो ये था आज का कार्यक्रम नवग्रह दोष निवारण कवच। आपकी ज़िंदगी में जो भी समस्याएं हो, जीवन में जो भी कष्ट हो, जो भी संकोच हो, जो भी स्थिति जिसको हम खराब स्थिति बोल सकते हैं, उसके लिए हम समय समय पर आपके लिए राहत के उपाय लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप जो कुछ भी चाहे आलोचना है, चाहे वो आपके सुझाव हैं, कमेंट बॉक्स में देना जरूर दें, आप उसको भूलें नहीं। साथ में आज की विशेष बात, आप जो दर्शक हैं वो अपने जो भी सुझाव हैं, जो भी आलोचना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आज की एक विशेष बात कि नवग्रहों से संबंधित जो भी पूजा पाठ, जो भी उपासना है, जो भी दान धर्म है, वो भी नियमित करते रहें, ताकि आपको जो कुछ भी जीवन में प्रतिकूल है वो प्रभाव देखने का अवसर प्राप्त नहीं हो, आप जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सफल ही होते रहें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, और जीवन में निरंतर और निरंतर प्रगति करते रहें, और अपने समाज, अपने देश का नाम रोशन करें। नमस्कार।